ऐसा है, सूर्य कलम में है। हाँ, तो जब अल्लाह पाक ने कलम पहले बनाया तो ये चीज जिसने कुरान लिखी है वो तो ये भूल गया कि कलम भी किसी न किसी तत्व या पदार्थ का होगा, तो अल्लाह पाक को सबसे पहले वो पदार्थ बनानी चाहिए, है ना। ये वो तो क्या नूर है कि नूर का कलम भी हो सकता है। हाँ, तो नूर भी जो है वो फोटान का बना होता है। फोटान जो होता है वो बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, और उससे जो है वो सूरज जो रोशनी होती है उसके फोटॉन्स के कारण ही होती है। तो सबसे पहले अल्लाह पाक को फोटॉन्स बनाने पड़ेंगे। तो उन्होंने पेन कैसे बना दिया? चलिए, अगर एक ही बार बना कलम बना दिया होगा वो कलम। हाँ, तो जिस चीज से बनाया है आपको एग्जांपल बताती हूँ। मान लो आपको समोसा बनाना है, ठीक है, आपको बनाना है समोसा, तो आप पहले क्या बनाओगे? मैदा, नमक, है ना, तेल का इंतजाम करोगे, है ना, फिर बहुत सारी चीज़ों का इंतजाम करने के बाद फिर उनको समोसा का अपना एक प्रोसेस होता है, उससे आप समोसा बनाओगे। तो अल्लाह पाक ने कलम बना दिया। कलम समोसा बनाने वाले को तो मालूम है ना कि हमें समोसा बनाना, तो क्या क्या चीज़ है कि हमसे सम गए, बोले हमने ऑर्डर दे दिया दुकान पे समोसे वाले। अल्लाह पाक ने समोसा 10 समोसा बना, अगर अल्लाह पाक ने कलम पहले बना दिया तो उससे पहले उनको उन सामान की तकलीफ करनी पड़ेगी जो तत्व बनाए हुए हैं। लेकिन पहले क्या बनाया? कलम बनाया। अब कलम लकड़ी की होगी तो उनको वुड को पहले बनाना चाहिए था, लोहे की होगी तो लोहे बनाना चाहिए था, प्लास्टिक होगी तो प्लास्टिक बनाना चाहिए था। तो पहला सवाल तो यही उठता है। सेकेंड, फिर अल्लाह पाक ने कलम से कहा लोहे महफूज में जो कुछ भी लिखना है वो लिख दो, जो कुछ भी होने वाला है, है ना। 17.5 साल के बाद ज़मीन की तकलीफ हो गई, पृथ्वी बन गई, आसमान बन गया। तो उसके बाद अल्लाह पाक ने 6 दिनों में दुनिया बनाई, आपने पढ़ा होगा। फिर उसमें पानी, नहरें बहाई, अल्लाह पाक ने बादल बनाया, पहाड़ बनाई, है ना, चरिंद परिंद बनाए, और ये जो पेड़ पौधे हैं वो बनाए। तो 6 दिन में अल्लाह पाक ने ये सब कुछ बना दिया। फिर 7वें रोज़ वो आसमान को बना करके तख्त पे जाके बैठ गया, है ना, काबिज हो गया अशेलाई पे। तो यहाँ पर एक सवाल ये उठती है कि सबसे पहले तो अल्लाह पाक ने अगर ज़मीन बनाई है, है ना, तो 6 दिन का काउंट किया है वहाँ पर, और ज़मीन तो लाखों करोड़ों वर्षों के बाद बनी है। पहले आग का गोला थी, फिर ठंडी हुई, फिर बर्फ़ बन गया, मतलब कि हिमयुग, फिर वो जाता है ना अलग अलग युग जो बनते हैं, उसके बाद ये पृथ्वी जो है धीरे 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 क्लाइमेट चेंज हुआ, फिर जा करके करोड़ों सालों में पेड़ पौधे विकसित हुए, करोड़ों सालों में सूक्ष्म जीव आए, करोड़ों सालों में सबकी तकलीफ हुई। तो धीरे धीरे ये होता गया, और अल्लाह पाक ने 6 दिन में फट 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 कर दिया। तो जैसे साइंस बोलता है ना, वक्त रुक जाता है। आपने कभी कोई देखा होगा मूवीज वगैरह या कोई भी चीज नहीं बनाते कि वक्त 500 साल की पहले की चीजें दिखाने लगता है फिल्म वगैरह, कोई ऐसी चीजों में होता है। फिल्म तो वो फिल्म तो वो साइंस बनाते हैं, स्टोरी है वो, रियलिटी नहीं है। हम लोग रियलिटी की बात कर रहे हैं। आप जब समझाओगे ना सामने वाले को तो वो भी आपको यही बोलेगा कि ये तो फलाना मूवी में ये दिखाया था, फलाना मूवी में दिखाया था। तो आप बोलना कि फलाना मूवी में तो रजनीकांत फट से ऐसे करके चुटकी बजा के बम फोड़ता है, रियल में थोड़ी ना बम फोड़ता है। बोलते हैं ना किसी कोई चीज पे ही बनता है, अमेरिका में बहुत चीजें रिसर्च होता है, फिर उस पे वो लोग बनाते हैं कई चीजें फिल्म वगैरह। भाई जरूरी थोड़ी ना, साइंस फिक्शन मूवी भी होती है जिसमें इंसान को क्या बोलते हैं कि वक्त रुक जाता है, कई कई चीजों पे वक्त रुक जाता है, घड़ी। तो फिर अगर ये साल में अगर सुनो ना मेरी बात, अगर अल्लाह पाक ने वक्त रोक के भी बनाया होगा ना, तो भी वो 6 दिन काउंट कैसे करेंगे? कुरान कहता है कि अल्लाह चाहता है तो वो हो जाता है, बस कुन फयकुन। लेकिन बात यह है कि जैसे पसली से एक इंसान का अभी 9 महीने में इंसान का शक्ल पैदा होता है, हाथ पर सही सलामत बाहर आता है कि नहीं? कहाँ जा रहे हो? हाँ, तो मैंने क्लियर कर दिया ना, यहाँ पर आओ, मेरी पहले बात पूरी होने दो, उसके बाद आप बोलना, ठीक है? मेरी पहले बात पूरी होने दो। आपने कहा कि टाइम रुक जाता है, है ना, टाइम रुकना का मतलब होता है हर चीज़ का स्थिरीकरण, यानी कि हर चीज़ स्थिर हो जाती है। जब हर चीज़ स्थिर हो जाती है, वहाँ कुछ क्रिया ही नहीं होती है, तो फिर ज़मीन की तकलीफ कैसे होगी? टाइम रुक गई तो फिर ज़मीन की तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, रुक जाएगी वो, टाइम रुकेगी तो हवा भी नहीं हो रही, पत्ते भी नहीं बन रहे, तो कुछ नहीं हो रहा, तो टाइम मेरी बात तो पूरी होने दो, मेरी बात ही नहीं सुनते।
कैसे लोगों को अपनी कैसे समझाओगे लोगों को? आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मैं आपको समझा रही हूँ ना। आपका जो बच्चा वो रो रहा है शायद, आप दो हाथ से दूर चले जाएं थोड़ा। हेलो, हाँ हेलो, हाँ कोई बच्चा रो रहा है वहाँ से दूर चले जाएं आप, या फिर उसको चुप कर दे पहले। वो मेरी बात पर हमने सवाल किया ना, ऐसे लोग सवाल करेंगे ना हमसे, अगर हमें आपके साथ अगर जुड़ता है तो ऐसे सवाल करेंगे। जो सवाल कर रहा है तो इसी को तुम लोगों यानी सर्टिफाइज करना है ना अगले को। देखो अगर उसके पास दिमाग होगा तो वो इस्लाम को 100% छोड़ देगा। अब उसके पास दिमाग नहीं होगा, वो ढक्कन होगा, वो सोचेगा कि सब चीज़ तो ऐसे ही ऐसे ही हो रही है, ईमान ला लो। तो फिर तो आप उसको आप कैसे करके नहीं समझा सकते, क्योंकि गधों को दिमाग होता है लेकिन ईमान वालों को दिमाग नहीं। जैसे कल बात लोग सवाल नहीं किए आपसे, मतलब सवाल किए इसीलिए तो इतना जानकारी हमको लेनी पड़ी जवाब देने के लिए। हर किसी का अलग अलग सवाल, हर किसी का अलग अलग जवाब, जैसे उनका सवाल वैसे ही उनको सर्टिफाइड करने वाला जवाब होना चाहिए, नहीं तो वो सोचेंगे कि ये तो ऐसी बोल रही है। लड़कियों को तो आप ज्यादा ही मतलब बहुत जल्दी कर देती होंगी, बदल देती होंगी। लड़की जो होती है इस्लाम में क्या है, जो मुस्लिम लड़कियाँ होती हैं वो लोग नॉलेज नहीं रखती, किसका साइंस वाइंस का, और जो साइंस वाइंस का नॉलेज रखती हैं उनके पास वो मनगढ़ंत साइंस होती है। मनगढ़ंत का साइंस कैसे कि वो लोग सुनी सुनाई साइंस पे या फिर कोई झूठा किसी ने वो दे दिया उनको, कोई वेबसाइट बता दी या कोई झूठा कोई सर्वे हुआ उसको लेके बैठी होती हैं। तो जब उनको सच बताती है ना कि भाई ये बात तो झूठी है, ये सही है, ये देखो यहाँ पर ये आप उनको रियल वेबसाइट बताते हैं, रियल चीज बताते हैं, तो वो उन चीज़ से हट जाती है और वो सच्चे जो सच्चाई में करके जाओ, इस्लाम को क्या बुला रहा देखो। तो यानी जब कैसे मतलब बहुत जल्दी मान जाती हैं हमारे हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम लड़कियां बहुत कट्टर होती हैं, वो मानती नहीं है जल्दी से, उनको भी अगर वो लोग क्या है ना उनको हम बताते हैं कि भाई ऐसी बात है, वो बोलते नहीं हमें बात नहीं करनी, बात नहीं करते। फिर खुद ब खुद एक दो साल के बाद वो खुद ब खुद इस चीज़ को रिसर्च करती हैं और खुद ब खुद छोड़ देती हैं। जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं इस्लाम में थी तब मैं इस्लाम को फॉलो करती थी तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं सब साइंस वाइंस नहीं मानती थी, मैं मानती थी सब अल्लाह अल्लाह के करम से हो रहा है, अल्लाह पाक ने फरमाया है तो वही होगा। लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 मेरे दिमाग में चीज़ें आती गई और मैंने देखा दुनिया तो ऐसी है जैसे हम लोग देखते हैं, इसमें कोई कोई मौजे की बात नहीं है, कोई छः दिन में पैदा नहीं हुआ और ये सब बातें झूठी हैं। फिर मैं जा करके इस्लाम से फारिग हुई, ऐसे फारिग नहीं हुई। तो कैसे मतलब किसी ने आपको किया था क्या? और मुझे जानकारी मिली यूट्यूब से, यूट्यूब से जानकारी मिली। नहीं नहीं, किसी ने किया होगा ना, किसी ने नहीं ना, यहाँ पर यूट्यूब में ऐसे लोग थे जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे, पहले मुस्लिम ही थे। और मैं बताऊँ, मेरे एक पड़ोस में भी एक व्यक्ति ऐसा था जो मुस्लिम था लेकिन वो इस्लाम को फॉलो नहीं करता था, तो उससे भी मेरी बात होती, मैं उसको ईमान में लाने की कोशिश करती, वो मुझे अपना अकीदा बताता था। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें मिल करके फिर हम समझ गए कि ये तो वास्तविकता में सही नहीं हो सकता, झूठी बातें हैं। तो पड़ोसी ने आपको किया ऐसा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, उससे तो हमारी बात हुई होती, कभी होती कभी नहीं होती, तो उसके चक्कर में नहीं हुए हम, तो ये हुए अपने सब्जेक्ट के चक्कर में। हमारे पास बायोलॉजी का वो है विषय है, जीव विज्ञान है ना, तो हम लोग मतलब मैं सुनी कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हमने इंसानों की तख्लीक करी किससे, मिट्टी से, फिर पसली से हवा बना दिया, ठीक, फिर उन्होंने ज़मीन में भेज दिया किसको, हज़रत आदम और हवा को, फिर उनसे हाबिल काबिल और फिर उनके पूरा ख़ानदान ये जो है वो पैदा हुआ। तो वो लोग कहते हैं कि इंसान इंसान ही थे जब वो पैदा हुए, जबकि विज्ञान कहता है कि ऐसा नहीं था, पहले लोग एक कोशिकीय जीव थे, यानी कि एक कोशिकीय जीव से विस्तृत विस्तार होते 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 बहु कोशिकीय जीव, फिर जटिल कोशिकीय जीव में सब विकसित हुए।
तो मैं इस बात को मानती हूँ, तो फिर से साबित होता है कि कुरान तो एकदम अलहदा बोलता है, इससे अलग उलट कहता है, इसलिए मैं समझ। जैसे सूर्य वाक्य में आपने कहीं पढ़ा होगा, सूर्य वाक्य में लिखा है कि जो एक जैसे आपस में मर्द औरत आपस में मिलते हैं तो फिर एक रिप्ट होता है, फिर एक एक नुत्फा नुत्फा उसको बोला जाता है, आपने पढ़ा ही होगा। तो नुत्फा फिर इसे मतलब जब मिलता है मेल फीमेल का, उसके बाद से फिर उसी हिसाब से मतलब उसी से मतलब शक्लें वगैरह सब चीजें बनती है, फिर एक इंसान की शक्ल बनती है। इसमें सूर्य वाक्य में तो ऐसा है ये, जैसे साइंस कहता है, मौजूदा जो साइंस में आप पढ़ते हैं तो कि इंसान की कैसे पता होता है, हदीस को देखते हैं, हदीस क्या कहता है, हदीस जो है वो कुरान की एक्सप्लेनेशन है, यानी कि वो कुरान का विस्तार है, व्याख्या है। हदीस कहता है, सही हदीस है कि जब अल्लाह पाक जब भी कोई आपस में क्रिया करते हैं महिला पुरुष, तो जैसे ही वीर का जो बूंद है वो माता के गर्भ में जाती है, तो अल्लाह पाक उसमें एक जो वो एक या दो फरिश्ते बिठा देते हैं, जो फरिश्ते नोट करते हैं कि इतना महीना होगा, तो वो कहते हैं कि या अल्लाह इसकी सूरत कैसे बनाए, या अल्लाह इसकी सीरत कैसे दे, या अल्लाह इसका जो अकीदा है वो कैसा हो, तो सब कुछ उसका जो चीज़ है ना वो गर्भ में ही वो फरिश्ते करते हैं, अल्ट्रासाउंड में कोई भी फरिश्ता नहीं रहता नीचे। और कुरान कहता है, सॉरी इस्लाम कहता है कि ये चीज़ फरिश्ते करते हैं, तो इसलिए तो तकदीर की बात हो गई, तकदीर में जो होता है लोगों से ऐसा लिखा है क्या है तो अलग चीज, लेकिन जो जैसे जैसे इंसान की शक्लें बनती हैं, तो जैसे मतलब सूर्य वाक्य में भी ऐसे दिया कि बूंद से पूरे इंसान का हाथ पैर नाक मतलब एक शक्ल आ जाता है कुछ महीनों में जाके। देखो ये चीज बिल्कुल भी झूठ है, अगर ऐसा होता तो अल्लाह पाक ये कहते हैं कुरान में कि हमने पहले एक कोष की जो बनाया वन सेलुलर लाइफ, फिर हमने उससे जीव जगत का निर्माण किया, लेकिन ऐसा नहीं कहता। अल्लाह कहता है कि हमने सबसे पहले आदम को बनाया मिट्टी से, फिर अब इसी में जब एक हदीस आती है, मैं हदीस भी आपको सेंड कर दूंगी कि कुत्ते की तकलीफ कैसे हुई थी, वो आदम से जुड़ा हुआ है। तो बात है कि देखिए धान की अगर खेती है जैसे कोई चीज बीज वगैरह होता है, पहले पूरी तो बीज पाले आया कि पौधा पाले आया, पूरी सुन लिया करो मेरी बात, समझ रहे हो। तो जैसे कहते हैं कि मिट्टी में आदम बनाया मिट्टी से, तो फिर उसमें ही कुत्ते की तकलीफ है। कुत्ते की तकलीफ कैसे हुई है कि शैतान ने उसको देख करके उसको नफरत हुई कि ये क्या बना रहा है अल्लाह पाक, उसने थूक दिया उस पर, कहाँ पे जहाँ पे नाभि होती वहाँ पे। तो अल्लाह पाक ने जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल उस थूक को निकालो और उससे एक जानवर बना दो। तो अल्लाह पाक के हुक्म से उस थूक से हजरत जिब्राइल ने कुत्ता बना दिया। आपने मालूम नहीं इसके बारे में, मैं आपको हदीस भेज दूंगी। तो इस्लाम तो इन ढकोसलों को मानता है, वो नहीं लेकिन थूक से थोड़े ऐसा तो साइंस नहीं है, तो हर जानवर किसी न किसी थूक से बना होंगे ऐसा थोड़े कि तो थूक मतलब कि आप लिखा हो गलत लिखा हो किसी ने भी लिखा हो। अरे ये हदीसों में है, फरिश्ते बिठाना ये भी हदीसों में ही है, क्योंकि ये थूक से मतलब बना दे वो अलग चीज है, ये तो कुछ समझ बाहर है। इस्लाम में हर चीज जो है ना वो मौजे पे वो डिपेंड करता है, जैसे कि एक जैसे और फिर लोग, अच्छा ठीक है मैं बोलती हूँ। एक यहूदी जो है ना वो नबी पाक के पास आया, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ये जो आसमान में जो बादल गरजते चमकते हैं और बरसते हैं इसकी क्या वजह है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जो बादलों की जिम्मेदारी है वो फरिश्तों में से एक फरिश्ता के पास है, और वो फरिश्ता जब बादलों की पिटाई करता है अपनी आग वाले हथियार से तो बादल गरजते हैं, और उसी को अल्लाह पाक ने जगह जगह बारिश बरसाने का जिम्मेदारी दे रखी है। तो पूरा इस्लाम ये कहता है कि बारिश कैसे होती है, सब कहाँ साइंस ढूंढोगे, साइंस नहीं है कुरान में। ये सब चीजें मतलब उसमें लिखा है, साइंस तो 1600 ईस्वी में हुआ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो साइंस मतलब उसको एक्सेप्ट करता है, कुरान की बातों को भी कई चीजों को उसने एक्सेप्ट किया है साइंस ने। भले आप उसको गलत माने कुछ भी माने, लेकिन बहुत सी चीजों को मतलब उसने एक्सेप्ट किया है। बोलती हूँ कि इस्लाम का कोई भी चीज़ साइंस एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है ना, उन्होंने मिट्टी से इंसान की पैदाइश को एक्सेप्ट किया,
ना हड्डी पसली से, वो अनुमान लगाते हैं ना, जैसे वो अनुमान लगाते, बात सुन लो, बात सुन लो, ना हड्डी पसली से जैसे मैं, अरे भाई जवाब बोलते, मैं सुनती हूँ, मैं बोल देता हूँ सुनते क्यों नहीं, फिर हड्डी पसली से हवा का बनना उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब गर्भ में किसी फरिश्ते के बैठने को भी तक वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आसमान के डंडे पीटने से ये जो पैदा हुआ उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते, चांद से पैदा होता है इंसान, ऐसे बहुत है।